शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। ब्लैक एंड व्हाइट टीवी कलर कब से हो गया? मामी जी बैठिए ना, आइए ना भाभी। मामी जी देखिए, आपके और पापा के लिए हमने उपमा बनाया है और भाभी भैया आपके लिए हमने मिर्ची के पकौड़े बनाए। टेस्ट कीजिए ना भाभी। हमने दोपहर के लिए सारी सब्जियां भी बना के रख दी हैं। गुड मॉर्निंग माँ। गुड मॉर्निंग भाभी। माँ वो क्या है कि हम लोग जरा बाहर जा रहे हैं, आज संडे है ना, तो आप लोग हमारा खाने पर इंतजार मत कीजिएगा। रानी चले। मामी जी हम जाएं? ये पूछ रही है ये जाएं? जाओ जाओ एंजॉय। वो गए। सीपी में मोती सी, मंदिर में ज्योति सी, चंदन की खुशबू बसी है सांसों में। वो रहने वाली महलों की, वो रहने वाली महलों की। हिरनी सी चंचल है, तितली सी कोमल है, सोने के पंखों से वो रहने वाली महलों की, वो रहने वाली महलों की। कुछ तो कहिए, कहाँ जा रहे हम? क्यों, क्या तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है? खुद से भी ज्यादा। देखिए ना पापा, हम इनसे पूछते रहे कि हम कहाँ जा रहे हैं, लेकिन इन्होंने बताया नहीं कि हम यहाँ आ रहे हैं। माई इन्हें डांटे ना, हमें बहुत परेशान करते हैं। भाई जी, राज बेटे के बारे में हम कोई शिकायत नहीं सुनने वाले हैं, कह देते हैं। पापा चले, कोई बात नहीं। माई राज के लिए कुछ चाय ठंडा। देखिए पापा, मैं तो अपने घर ही आया हूँ। हाँ, रानी शायद आपकी मेहमान जरूर है, आपको इसकी खातिरदारी करनी है तो आप जरूर करिए। वैसे माई बहुत अच्छे पकौड़े बनाती हैं, है ना माई? ये क्यों नहीं कहती पकौड़े खाने को दिल कर रहा है, अभी बना के लाती हूँ। हम भी चलते आपके साथ। पापा माफी चाहता हूँ, काफी टाइम बाद आना हुआ। अरे नहीं बेटा, बिल्कुल नहीं, बल्कि आज तुम दोनों को एक साथ देखकर दिल बहुत खुश हो गया। पापा आपके लिए एक छोटा सा गिफ्ट। ये क्या बेटा? ये ऑयल कलर्स हैं, पेंटिंग आपकी हॉबी है ना? थैंक यू। वैसे आज तो अपनी चारों तरफ खुशियों का इंद्रधनुष बिखरा हुआ नजर आ रहा है। अच्छा पापा अब चलते हैं। थोड़ा तो रुको ना बेटा। नहीं बस अब निकलते हैं, अभी अभी तो आए हो, बोलो ना। चलते पापा। थैंक्स करण, तुमने अपने क्लब की मेंबरशिप दिलाई। थैंक यू वेरी मच। नाइस क्लब,
नीट क्राउड हाँ? वैसे तो इस क्लब की मेंबरशिप मिलना काफी मुश्किल है, बट आई एम ग्लैड सब ठीक हो गया है। ए बाय द वे, सैटरडे इवनिंग्स आर रियली हैपनिंग इन द क्लब, हम चारों को वहाँ जाना चाहिए। हम तीन तो समझ में आ गए, ये चौथा कौन है? रानी ऑफ कोर्स। बाय द वे, रानी कोलकाता से वापस कब आ रही है? वो अभी तो कुछ कह नहीं सकते करण, मेरी शीतल जी है ना, तो उनका छोटा बेटा है रोहन। पर आप लोगों ने तो कहा था कि रानी कोलकाता में है ना? हाँ, वो पता नहीं कब आ गई। देखो ना पुनीत, हमें फोन भी नहीं किया रानी ने। चलिए जाकर बात तो करते हैं उससे। करण, हाय रानी। हाय करण। हाय राज, ये करण है, माय ओल्ड फ्रेंड। शालिनी जीजी के घर मुलाकात हुई थी, और करण ये राज है, माय हस्बैंड। हाय हाय, नाइस टू मीट यू। सो स्पेशल आउटिंग, पानी पूरी एंड ऑल। हाँ या, आइए ना, प्लीज जॉइन अस। नो थैंक्स। हाय जीजी, हाय जीजू। नमस्ते। रानी, तुम कोलकाता से कब आई? कोलकाता से? हम कोलकाता कब गए? लेकिन तुम तो पुनीत के घर से ही। जीजू के घर से तो हम सीधा अपने घर चले गए थे, राज के पास। शायद कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई होगी। जीजी, इसके बाद हम फिल्म देखने जा रहे हैं, आप भी चलिए ना, बहुत मजा आएगा, है ना राज? नहीं, इस वक्त कुछ काम है हमें, फिर कभी। प्लीज आप लोग कभी घर आइए, और आप भी प्लीज बी इन टच। जी चलिए ना, लेट हो रहे हैं। बाय जीजी। बाय बाय करण। बाय। What the hell do you think of yourself, Puneet? तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? मैंने सारा दिन सोचा, मैंने रियलाइज कि तुम लोगों ने मुझे एक मोहरा बनाया रानी को अपने हस्बैंड से अलग करने में। नहीं करण, तुम गलत समझ रहे हो। नहीं, मैं सब कुछ ठीक अब समझ रहा हूँ। तुम लोगों ने अपने खेल में मुझे शामिल किया, वो भी बिना मेरी मर्जी के, विदाउट माई नॉलेज, विदाउट माई कंसेंट, डैम इट। मैं बेवकूफ की तरह रानी से प्यार करने लगा। देखो प्लीज, हमें गलत मत समझो, ये बात बिल्कुल सही है कि हम लोग यही चाहते थे कि रानी तुम्हारे साथ। कैसे? तुम लोगों ने देखा ना, वो अपने हस्बैंड के साथ थी, खुश थी उसके साथ, फिर कैसे पाऊंगा मैं रानी को? नहीं पुनीत,
करण ऐसे खेल खेलना पसंद नहीं करता। वो ना ही आज तक हारा है और ना ही कभी हारेगा। तुमने ठीक नहीं किया, गलत किया, बहुत गलत किया। आई लव रानी, मैं उसे कभी नहीं भुला पाऊंगा, कभी नहीं। सारी शर्ट्स के बटन टूट गए। ओहो, अब क्या होगा? अब तो आपको टूटे हुए बटन वाली शर्ट पहन के ऑफिस जाना पड़ेगा। अब क्यों? अब बटन लगा दो ना। नहीं, आज हम नहीं लगाएंगे। क्या मतलब? यू मीन टू से कि मेरी सारी मेहनत बेकार गई? मेहनत तो बेकार जाएगी। अब इंसान इतनी मेहनत करे और उसको फल ना मिले तो उसे बुरा तो लगेगा ना, है ना? बहुत बुरा लगता है, लेकिन क्या करें? एग्जैक्टली, लोग तुम्हारे बारे में बात करेंगे, बोलेंगे कि कैसी पत्नी है, अपने पति का बिल्कुल ख्याल नहीं रखती है, टूटे हुए बटन वाली शर्ट पहनाकर उसे ऑफिस भिजवाती है। आठ बीस की लोकल पक्का गई। आरती, आरती, हाँ जी। ये देखो, बटन नहीं है। सारा दिन घर में काम क्या करती हो तुम? अरे तुम चिल्ला क्यों रहे हो? ये शर्ट है ना दूसरा, इस पर बटन लगे हैं, ये पहन लो। हाँ, तुम सब लोग गलतियों पे गलतियां करते रहो। मेरे तो शक्ल पे लिखा है ना, ये गधा है। हाँ हाँ, हाँ सारी जिम्मेदारियां मेरी ही है ना। ऑफिस की चिक-चिक, घर में टेंशन। अरे 15 दिन के अंदर अगर 5 लाख का इंतजाम नहीं किया ना, तो मैं तुम्हारे साथ घर में बैठकर कमीज में बटन ही लगाऊंगा, क्योंकि नौकरी अब ज्यादा दिन तो रहने वाली है नहीं। अब हटो रास्ते से, ट्रेन जाएगी मेरी। तो लगाते जाओ। ये लो वैसे बता रही, ये चिल्ला क्यों रहे थे मुझ पर? बटन टूटते थे रोज, तो लगते भी तो थे। ये सब ना उस मेहलो वाली के वैसे हो रहा है। ये बिजली का बिल, ये पैसे, जाओ बिजली का बिल भर के आओ, आज आखिरी दिन है। हम? हाँ, वैसे बता रहे, मैंने मम्मी जी को यही कहा कि तुम, मैं जाके भर के आती हूँ। मम्मी जी के ऑर्डर है, तुम्हें ही जाना पड़ेगा। ठीक है, मम्मी जी ने कहा है तो हम भर देंगे। वैसे भरना कहाँ है? कांदीवली में बिजली का दफ्तर है ना, वही। ठीक है। हे प्रभु, इसे घर वापस भेज देना प्लीज। राज, ये करण है, माय ओल्ड फ्रेंड। ये राज है, माय हस्बैंड।
Can I talk to Rani, please? जी, वो क्या? I don't know ज़्यादा English. क्या मैं रानी से बात कर सकता हूँ? हाँ जी, ज़रूर कीजिए. अरे फ़ोन तो दीजिए उसे please. वैसे बता रहे हैं, घर पे होती तो दे देती मैं. कहाँ गई है वो? वो बिजली का बिल भरने गई है. कब तक आएगी? तो राम ही जाने. बिजली का बिल भरने गई है ना, अगर लंबी लाइन होगी तो 4-5 घंटे भी लग सकते, वरना आधे घंटे में आ जाएगी. हाँ हेलो हेलो, बता तू कैसी है? हम तो ठीक है, तू कैसी है? मैं एकदम ठीक. अच्छा चल चल, तू मेरे साथ है. कहाँ? तुझे किसी से मिलवाती हूँ, आ जा. कोई स्पेशल है क्या? स्पेशल तो है, एक्चुअली वो मेरा बहुत अच्छा फ्रेंड है, उसका नाम विक्रम है, और बहुत जल्दी मेरी उसके साथ सगाई होने वाली है. What are you saying? Congratulations, guy. रानी, दिस इज विक्रम. विक्रम, माय बेस्ट फ्रेंड रानी. हाय रानी. हाय. तो ये आपकी बेस्ट फ्रेंड है, इसका मतलब ये मेरी भी बेस्ट फ्रेंड हुई. अगर मैं ऋतु का बहुत अच्छा दोस्त हूँ और आप भी ऋतु की बहुत अच्छी दोस्त हैं, तो मैं भी आपका बहुत अच्छा दोस्त हुआ कि नहीं? देखो, अगर इफ ए इक्वल्स टू बी इक्वल्स टू सी, देन ए ऑल्सो इक्वल्स टू सी. I'm not that good at maths, but it's okay. बहुत खुशी है आपसे मिलके. लेकिन रितु, हमारे पार्टी का है ये, तो हम बाय चांस मिल गए तो तुमने हमें अपनी सगाई की बात बता दी, वरना तो तुम बताती ना. नहीं नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है. देखो, अगर आपकी बेस्ट फ्रेंड आपको पार्टी नहीं देगी ना, तो मैं हूँ ना, आपको जब भी पार्टी की जरूरत हो, विक्रम, I'll be at your service. Thank you so much. लेकिन हम तो पार्टी अपनी फ्रेंड से ही लेंगे. Why not? क्यों ना पार्टी अभी हो जाए. What say, विक्रम, चले? नहीं, एक्चुअली रितु, अभी हम थोड़ा सा बिजी हैं, कोई काम से आए हैं. यू बोथ कैरी ऑन ना. ओके, फिर मिलेंगे. इट्स नाइस मीटिंग यू. बाय बाय रितु. बाय, टेक केयर. कैसी लगी? नाइस. अब चले. फर्स्ट फ्लोर पे. हाय रानी. हाय करण, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? बस तुम्हें मिलने का मन किया तो यहाँ चला आया. हमें फोन कर देते राज और हम तुम्हारे साथ कोई प्रोग्राम बना लेते. दरअसल मैं सिर्फ तुमसे बात करना चाहता हूँ, इसीलिए यहाँ आ गया. इफ यू डोंट माइंड, हम लोग थोड़ी देर के लिए कहीं बाहर चले. नहीं, अभी तो हम यहाँ बिल भरने आए हैं. लो, मेरा आदमी कर देगा. हम अपना बिल खुद ही भरेंगे. रानी प्लीज, ना मत कहो, कुछ ही देर की तो बात है, कहीं जाकर कॉफी पीते हैं. करण,
अभी राज भी हमारे साथ नहीं है। मैंने तुमसे कहा ना, मैं राज से नहीं तुमसे बात करने आया हूं। कम ऑन। ऐसी कौन सी बात है जो तुम यहां नहीं कर सकते हो? कम ऑन रानी, यहां पर तुम्हें जो कुछ भी कहना है तुम यही कहोगे। हम तुम्हारे साथ कहीं नहीं जाएंगे। ठीक है, अगर यही तुम्हारी मर्जी है तो यही सही। मैं यही तुम्हें कह दूंगा जो मुझे कहना है। रानी, आई लव यू, आई लव यू।